हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे हम लोग का करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 8। तो पार्ट 7 तक हम लोगों ने थ्योरी भी कंप्लीट कर लिया था और कुछ न्यूमेरिकल भी मैंने दिखा दिया था। तो आज बार ये पार्ट 8 की, तो आज बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल के ऊपर, और वो न्यूमेरिकल्स होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब करंट का जो हीटिंग इफेक्ट है उसके ऊपर। ठीक है, तो बेसिकली हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से मैंने कोई भी थ्योरी नहीं दिखाया था, क्योंकि इसका जो थ्योरी है वो बहुत ही लेस इंपॉर्टेंट है, और हम लोगों का जो न्यूमेरिकल है वो सीधा साधा दो तीन फॉर्मूले के ऊपर हो जाता है। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ फॉर्मूले के बारे में, फिर हम लोग चले जाएंगे न्यूमेरिकल पे। ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का जो मेन फॉर्मूला है वो पी इक्वल्स टू वी आर। ठीक है, पी मतलब क्या है, पावर, पावर इक्वल्स टू वोल्टेज इनटू करंट। ठीक है, यह है हम लोगों का मेन फॉर्मूला। और फिर और एक फॉर्मूला है, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी बाई जे। एच क्या है, एच है हम लोगों का हीट। ठीक है, फिर और एक फॉर्मूला हम लोगों को पता है, वो है वी इक्वल टू आई। ठीक है, ये तीन फॉर्मूला से शायद से न्यूमेरिकल जो है वो बन जाएगा। फिर भी कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूला अगर चाहिए होगा तो मैं दिखा दूंगा। ठीक है, तो बेसिकली ये थ्री फॉर्मूला हम लोग को बहुत अच्छे तरह से याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो बात करते हैं, अभी चलते हैं न्यूमेरिकल पे। तो फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है हम लोगों का हैश वन, आज देखते हैं कितना न्यूमेरिकल हो पाता है। तो हैश वन जो है न्यूमेरिकल, वोल्टेज अक्रॉस अ बल्ब, इफ वोल्टेज अक्रॉस ए बल्ब, वोल्टेज अक्रॉस अ बल्ब रेटेड 220 वोल्ट 100 वाट drops by 2.5% of its rated value then percentage of the rated value by which the power would decrease then percentage of the rated value by which power would decrease is here option A 20%, option B 2.5%, option C 5%, option D 10%। ये आया था हम लोग का AIPMT 2012। कहां पर आया था AIPMT 2012 में? ठीक है, देखो बिल्कुल सीधा साधा सवाल है, कैसे करेंगे इसको, इसको करने के लिए हम लोगों को कौन सा फॉर्मूला चाहिए, हम लोगों को चाहिए जो मैंने अभी अभी दिखाया था कि P equals to VI over
यहां पर क्या दिया हुआ है, वोल्टेज एंड पावर, ठीक है। तो पी इक्वल्स टू वी आई, ये तो हमको पता है। और निकालना क्या है, वोल्टेज ड्रॉप हुआ है 2.5% ऑफ इस रेटेड वैल्यू, देन परसेंटेज ऑफ द रेटेड वैल्यू बाय विच पावर वुड डिक्रीज। तो यहां पर हम लोग और एक फॉर्मूला पता है, वी इक्वल्स टू आई आर, सो आई इक्वल्स टू वी बाई आर। तो आई के जगह पर हम लोग वी बाई आर लिख देते हैं, तो फॉर्मूला बन जाएगा वी स्क्वायर बाई आर। मैंने इसको ऐसे में क्यों लिखा है, क्योंकि हम लोग का जो बल्ब है, बल्ब का वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, बल्ब चेंज नहीं हुआ है। तो बल्ब चेंज नहीं होने से उसका रेसिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि रेसिस्टेंस जो है वो उसका मटेरियल्स के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब उसका रेसिस्टेंस पहले जो था अभी भी सेम है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने से, अगर हम लोग एरर वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो हम लोगों को तो पता है एरर वाला फॉर्मूला क्या था, डी पी बाई पी इंटू 100% इक्वल्स टू V का पावर है 2, तो 2 डेल V बाई V इंटू 100%, ये बन जाएगा हम लोग का फॉर्मूला। फिर यहाँ पर प्लस देके डेल R बाई R इंटू 100%, ये था हम लोग का 11 का चैप्टर 1 यूनिट्स एंड डायमेंशन, उस चैप्टर का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर वोल्टेज dP बाई P इंटू 100% इतना दिया हुआ है हम लोग का, वोल्टेज दिया हुआ है, मतलब dB by V into 100% ये दिया हुआ है 2.5, that means dP by P into 100% equals to यहाँ पर आ जाएगा 2 into 2.5%, ये तो बन जाएगा 0, that is 5%, बिल्कुल इजी है। और आंसर भी है हम लोग का, कहाँ पर आंसर है, आंसर है हम लोगों का ऑप्शन सी वाला, ठीक है। कितना आंसर आया है, 5%, समझ में आई बात। चलो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल, वो क्या है वो भी देख लेते हैं। वो है क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन भी मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, द इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेसिस्टेंस 6 ओम, द इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेसिस्टेंस 6 ओम is run for 10 minutes. Is run for 10 minutes on 120 volt line. On 120 volt line. The energy liberated in this period of time, the energy liberated in this period of time is option A, 7.2 into 10 to the power 3 joule, option B, 14.4 into 10 to the power 5 joule, option C, 4.32 into 10 to the power 4 joule, option D, 28.8 into 10 to the power 4 joule। ये आया है एफएमसी 2012।
AFMC 2012, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो यहां पर क्या क्या दिया हुआ है देखो, पहले यहां पर दिया हुआ है हम लोगों का रेसिस्टेंस आर इक्वल्स टू 6 ओम, टाइम भी दिया हुआ है टी इक्वल्स टू 10 मिनट, वोल्टेज भी दिया हुआ है 120 वोल्ट, ठीक है। अभी टाइम को हम लोग सेकंड पे ले जाते हैं, 10 into 60 600 सेकंड। एनर्जी, एनर्जी मतलब हम लोग एच के बारे में बोल सकते हैं, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी बाई जे, हम लोग यूज करने से भी होगा नहीं करने से भी होगा। तो यहां पर तो जे दिया हुआ है तो इसलिए यूज करने का जरूरत नहीं है, जूल पे यूनिट दिया हुआ है। अगर हम लोग आर्ट पे ले जाते हैं तो जे का वैल्यू पिटाना बहुत ही जरूरी है। तो देखो अभी हम लोग और एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर तो आई तो दिया हुआ नहीं है तो इस आई को रिमूव कर देते हैं, वी इक्वल्स टू आई आर, तो आई इक्वल्स टू वी बाई आर, दैट मीन्स वी बाई आर स्क्वायर आर टी, वी स्क्वायर आर टी बाई आर स्क्वायर, वी स्क्वायर टी बाई आर, वैल्यूज बिठा लेते हैं। अभी वी कितना है, वी है 120 into 120 into 600, आर कितना है 6, एक कटने से हो जाएगा 100 144000, ठीक है। दैट इज 14.4 into 10 to the power 5 जूल, मीन्स ऑप्शन बी वाला, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मूला हम लोग का था आई वाला, यहाँ पर तो आई दिया हुआ है नहीं तो इसलिए मैंने आई को वी और आर में कन्वर्ट कर दिया, वी इक्वल्स टू आई आर यूज करके, ठीक है। ऐसा करने से हम लोग का न्यूमेरिकल जो है वो इजीली बन गया। समझ में आयो बात? फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोगों का, क्या है क्या है क्या है, कुछ भी नहीं है, देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब मार्क्ड एस एन इलेक्ट्रिक बल्ब मार्क्ड एस 50 वाट 200 वोल्ट, 50 वाट 200 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस ए 100 वोल्ट सप्लाई, इज कनेक्टेड अक्रॉस 100 वोल्ट सप्लाई, द प्रेजेंट पावर ऑफ द बल्ब इज, द प्रेजेंट पावर ऑफ द बल्ब इज, ऑप्शन ए 37.5 वाट, ऑप्शन बी 25 वाट, ऑप्शन सी 12.5 वाट, ऑप्शन डी 10 वाट। WBJ 2012, ठीक है। तो देखो इसको हम लोग कैसे करेंगे, कोशिश करो। यहां पर क्या दिया हुआ है देखो, हम लोगों को दिया हुआ है यहां पर
इलेक्ट्रिक बल्ब मार्क एज 50 वाट 200 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस 100 वोल्ट। ठीक है, तो यहां पर हम लोग कैसे करेंगे इसको, यहां पर दिया हुआ है हम लोग का पी इक्वल्स टू 50 वाट, वी इक्वल्स टू 200 वोल्ट, वी डैश मान लेते हैं हम लोग का 100 वोल्ट। ठीक है, तो हम लोगों को निकालना है पी डैश। तो पी डैश हम लोग कैसे निकालेंगे, सोचो सोचो जल्दी से सोचो। पी डैश निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला डाल देते हैं यहां पर, पी इक्वल्स टू जो हम लोग का वी स्क्वायर बाय आर है वो वाला, पी इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, तो ये करने से पी किसके साथ प्रोपोर्शनल है, वी स्क्वायर, दैट मीन्स पी प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, p by p dash equal to v by v dash square, तो v dash square equals to v square p by p dash, v क्या माना था 200 into p क्या था 50, p dash क्या था, p dash तो हम लोगों को निकालना है, तो यहां से ये थोड़ा चेंज हो जाएगा, हम लोगों को p dash निकालना था, तो p dash equal to v dash square by v square into p, तो v dash क्या है 100 into 100 और v क्या है 200, 200 into p क्या है 50, ये कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा 50 by 4 मतलब 12.5। तो यहां पर हम लोगों का ऑप्शन भी है 12.5 मींस ऑप्शन सी, तो हम लोग का सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो यहां पर क्वेश्चन है कि मैंने p इक्वल टू v स्क्वायर बाय r क्यों लिया, p इक्वल टू vi क्यों नहीं लिया, p इक्वल टू i स्क्वायर r क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम लोग का ये तो होगा नहीं क्योंकि इसमें v तो है नहीं और हम लोग का वैल्यू दिया हुआ है v में, तो इन दोनों में से कौन सा वाला हम लोग यूज करेंगे। जैसे कि मैंने बोला था क्योंकि बल्ब तो चेंज नहीं हुआ है तो रेजिस्टेंस चेंज होगा नहीं, तो रेजिस्टेंस को कांस्टेंट मानने से हम लोग का जो न्यूमेरिकल है वो इजी हो जाता है, इसलिए मैंने रेजिस्टेंस को कांस्टेंट मान के ये फॉर्मूला यूज किया है। ठीक है, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोगों का, ए 12501 ए 12501 हीटर ऑपरेट्स ए 115 वोल्ट, what is the resistance of the heating coil, what is the resistance of heating coil, ये रहा हम लोग का क्वेश्चन, what is the resistance of heating coil, option A 1.6 ओम, ऑप्शन बी 13.5 ओम, ऑप्शन सी 1250 ओम एंड लास्ट ऑप्शन डी 10.6 ओम। ये आया था DUMET 2011 DUMET 2011। ठीक है, तो अभी देखते हैं इसको हम लोग कैसे करेंगे सॉल्व।
ठीक है। तो यहां पर क्या क्या दिया हुआ है, यहां पर हम लोग निकालना है रेसिस्टेंस, ठीक है। तो रेसिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, रेसिस्टेंस हम लोग निकालेंगे P दिया हुआ है, V दिया हुआ, बिल्कुल इजी है। P इक्वल्स टू दिया हुआ है 1250 वाट, V इक्वल्स टू 115 वोल्ट। हम लोग को पता है P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर होता है, तो R इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय P होगा, तो R V क्या है 115 इंटू 115 बाय 1250। ये कैलकुलेट करके देखो शायद से 10.6 तो हम आ जाएंगे, तो हम लोगों का ऑप्शन भी बन जाएगा ऑप्शन डी वन, मतलब 10.6 ओम। जैसे कि मैंने बोला था बिल्कुल सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, इजीली बन जाएगा हम लोगों का आंसर। अब देखो इजीली हो भी रहा है हम लोगों का आंसर। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर बारिश हो रही है, शायद से नॉइज आ सकता है थोड़ा, तो एडजस्ट कर लेना। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाई है हम लोगों का, इफ टू बल्ब्स ऑफ 25 वाट एंड 100 वाट रेस्पेक्टिवली, इफ टू बल्ब्स ऑफ 25 वाट एंड 100 वाट रेस्पेक्टिवली कॉमा ईच रेटेड 220 वोल्ट, ईच रेटेड 220 वोल्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज, आर कनेक्टेड इन सीरीज, आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द सप्लाई ऑफ 440 वोल्ट, विद द सप्लाई ऑफ 440 वोल्ट, देन विच बल्ब विल फ्यूज, देन विच बल्ब विल फ्यूज। ऐसे टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में भी आ सकता है, और ये आया था एम्स 2011। ऑप्शन ए 100 वाट बल्ब, ऑप्शन बी 25 वाट बल्ब, ऑप्शन सी नॉन ऑफ दिस, ऑप्शन डी बोथ ऑफ दिस। एम्स 2011 में आया, एम्स 2011, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या हो सकता है हम लोगों का ये न्यूमेरिकल जो है। यहां पर क्या बोला है देखो, हम लोगों को टू बल्ब दिस रेस्पेक्टिवली कनेक्टेड इन सीरीज, दो बल्ब है, देन 220 वोल्ट, दोनों का रेसिस्टेंस हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो वोल्टेज तो दोनों का दिया हुआ है 220 वोल्ट, यहाँ पर P1 मान लेते हैं 25 वाट, P2 मान लेते हैं 100 वाट, V मान लेते हैं 220 वोल्ट। तो हम लोगों को फॉर्मूला पता है कि P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर, तो क्या होगा R1 इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय P1, तो V क्या है 220 इंटू 220 बाय P1 मतलब 25। उसके बाद R2 इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय P2 220 बाय P2 मतलब क्या है हम लोगों का 100। तो R1 इक्वल्स टू क्या आएगा देखो, R1 इक्वल्स टू आ जाएगा
1936 ओम, और आर टू आ जाएगा कैलकुलेटर पे करने से 484 ओम, ये हम लोगों का आ जाएगा। अभी ये दोनों सीरीज पे है तो नेट आर इक्विवेलेंट क्या होगा, आर वन प्लस आर टू, तो आर वन प्लस आर टू करने से क्या आएगा, दोनों को प्लस करने से, प्लस करके देखो कितना आएगा, शायद से 2420 ओम ये आएगा। तो अभी हम लोग क्या डिटरमाइन करेंगे, अभी डिटरमाइन करेंगे हम लोग करंट, ठीक है। तो यहां से कितना करंट पास होगा, तो I इक्वल्स टू वी बाई आर इक्विवेलेंट, तो V कितना था, V था हम लोगों का 220 और ये कितना आएगा 2420, ठीक है। तो शायद से अगर हम लोग 22 से काट लेते हैं, 22 से कटने से क्या आएगा, 22 1 by 11 एम्पीयर, ये है सर्किट का करंट 1 by 11, ठीक है। और नहीं यहाँ पर 220 तो होगा नहीं, अभी तो इनको कनेक्ट किया है 440 में, तो कुछ नहीं होगा, 1 के जगह पे 2 आ जाएगा, बस इतना ही, 2 by 11 एम्पीयर। अभी देखना क्या है, अभी देखना है हम लोगों का इन दोनों बल्ब का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, ठीक है। तो मैं पहले बल्ब का देख लेता हूँ, फर्स्ट बल्ब का मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेता हूँ, तो V1 इक्वल्स टू I1 R1, तो I तो हम लोग का सेम मतलब 2 by 11, R1 कितना था हम लोग का, R1 था 1936, ठीक है, ये आ गया हम लोग का V1। फिर हम लोग को देखना क्या है, V2 इक्वल्स टू I R2, I क्या है हम लोग का 2 by 11 into R2, क्या है R2 है हम लोगों का R2 क्या है 484। तो यहां पर जो हम लोगों का V2 है वो करने से क्या आएगा, देखो 11 से कटने से 488 वोल्ट, ठीक है। और इसको अगर कटने से क्या आएगा, 11 1 11, फिर 8 3 7 7, फिर 6 6, ये आ जाएगा 6 2 12 2 1 3 3 by 2, ठीक है। तो हम लोगों का दोनों का रेटिंग्स क्या था, 220 वोल्ट, लेकिन V1 में कितना वोल्टेज आएगा, 352 वोल्ट, तो हम लोग का जो फास्ट बल्ब है वो फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। जो फास्ट बल्ब है मतलब 25 वाट बल्ब है वो फ्यूज हो जाएगा, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने किया क्या है, यहां पर ये वर्क दिखाई नहीं दे रहा, ये है बल्ब, E2 बल्ब, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने पहले दोनों बल्ब का रेसिस्टेंस निकाला है, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, उसके बाद हम लोगों ने सर्किट में से कितना करंट पास होता है वो निकाला है, फिर दोनों बल्ब का टर्मिनल वोल्टेज निकाला है, जिसका वोल्टेज रेटेड वैल्यू से ज्यादा आ रहा है वो बल्ब जो है वो फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि वो 200 वोल्ट इसका रीडिंग है, लेकिन अप्लाई हो रहा है 300 के ऊपर, तो ये फटाफट फ्यूज मार देगा, ठीक है। अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देयर आर टू इलेक्ट्रिक बल्ब्स ऑफ 40 वाट एंड 100 वाट, देयर आर टू इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ, देयर आर टू इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 40 वाट एंड 100 वाट,
40 वाट एंड 100 वाट विच वन विल बी ब्राइटर विच वन विल बी ब्राइटर when first connected in series then connected in parallel when first connected in series then connected in parallel then connected in parallel option A 40 watt in series 100 watt in parallel यहाँ पर ये सब बता देते हैं कि ऑप्शन जो है थोड़ा लंबा लंबा ऑप्शन है ऑप्शन ए 40 watt in series 100 watt in parallel option B 100 watt in series and 40 watt in parallel option C 40 watt both in series both in parallel will be uniform 40 watt both in series and parallel D 100 watt both in series and parallel Hundred one in series and parallel will be uniform. Will be uniform. ठीक है? तो ये आया था AFMC 2010. AFMC 2010 ठीक है तो यहां पर क्या क्वेश्चन में क्या बोला है 40 वाट एंड 100 वाट बल्ब विच वन विल बी ब्राइटर व्हेन फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज देन कनेक्टेड इन पैरेलल तो सीरीज में क्या होता है सीरीज में हम लोग को पता है करंट जो है वो कांस्टेंट होता है मतलब हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे P equals to I square R और पैरेलल पे हम लोग यूज करेंगे P equals to B square by R ठीक है क्योंकि पैरेलल पे हम लोग का वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट रहता है और सीरीज पे हम लोग का करंट जो है वो कांस्टेंट रहता है इसलिए सीरीज के टाइम पे आई स्क्वायर आर और पैरेलल के टाइम पे बी स्क्वायर बाय आर तो देखा जाए कि हम लोगों का सीरीज पे रेसिस्टेंस इंक्रीज होने से पावर जो है वो इंक्रीज होगा ठीक है और यहां पर अगर बात करते हैं हम पैरेलल पे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होने से हम लोगों का जो पावर है वो इंक्रीज करेगा ठीक है तो यहां पर जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है वो ही ब्राइट करेगा ठीक है क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा होने से फिर से हम लोगों का जो है एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी मीन्स एच प्रोपोर्शनल टू आर तो दैट मीन्स रेजिस्टेंस ज्यादा होने से हम लोगों का हीट ज्यादा मिलेगा मतलब बल्ब उतना ब्राइट करेगा तो सीरीज पे कौन से किसका रेसिस्टेंस ज्यादा है
जिसका पावर ज्यादा है, मतलब सीरीज पे 100 वॉट जो है वो ज्यादा ब्राइट करेगा सीरीज पे, और पैरेलल पे कौन सा वाला ज्यादा ब्राइट करेगा जिसका रेजिस्टेंस कम है, मतलब 40 वॉट होगा पैरेलल पे। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा है, 100 वॉट इन सीरीज एंड 40 वॉट इन पैरेलल, दैट इज ऑप्शन बी वाला हम लोगों का आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हम लोग ने किया क्या, सीरीज पे आई कांस्टेंट रहता है और पैरेलल पे बी कांस्टेंट रहता है, तो पावर इसके हिसाब से P प्रोपोर्शनल टू R, इसके हिसाब से P प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली R। देन हीट जो है वो हम लोगों का R के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मतलब हीट किसका ज्यादा होगा, कौन सा वाला ज्यादा ब्राइट करेगा जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो सीरीज पे किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है 100 वाट का, और पैरेलल पे किसका रेजिस्टेंस कम है 40 वाट का। ठीक है, तो अभी देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है हम लोगों का, देखो एन इलेक्ट्रिक इमर्शन हीटर एंड इलेक्ट्रिक इमर्शन हीटर एंड इलेक्ट्रिक इमर्शन हीटर ऑफ 1.08 kW इज इमर्स्ड इन वाटर। Immersed in water. After the water has, after the water has reached a temperature, reached a temperature of 100 degree C, 100 degree C, how much time will be required to produce, how much time will required to produce, will required to produce 100 gram of steam, 50 seconds, option B 420 seconds, option C 105 seconds, option D 210 seconds। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हम लोगों का जो यहां पर ये आया है AFMC 2010 की, AFMC 2010 ठीक है, तो देखा जाए इलेक्ट्रिक इमर्शन हीटर ऑफ दिस किलोवाट, मतलब P दिया हुआ है यहाँ पर 1.08 kW, दैट इज 1.08 इंटू 10³ वाट, दैट इज 1080 वाट। इमर्स्ड इन वाटर आफ्टर द वाटर रीच्ड ए टेम्परेचर ऑफ 100 degree C, हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 ग्राम ऑफ स्टीम। तो यहाँ पर 100 ग्राम ऑफ स्टीम के लिए हम लोगों का कितना कैलोरी टेम्परेचर चाहिए और कितना हीट हम लोगों को देना पड़ेगा वो पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 100 ग्राम के लिए हम लोगों का अभी 11 का एक
नॉलेज चाहिए जो है हम लोग का हीट चैप्टर वाला। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो हम लोग का जो है वाटर का जो लेटेंट हीट है, लेटेंट हीट ऑफ वाटर, लेटेंट हीट ऑफ वाटर वो है हम लोगों का 540 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है 540 कैलोरी पर। तो हम लोगों को 100 ग्राम के लिए कितना चाहिए होगा इनटू 100, समझ में आई बात। अभी एनर्जी जो है हम लोगों का एनर्जी यहाँ पर P इक्वल्स टू क्या है, P दिया हुआ है, P इक्वल्स टू है हम लोगों का W by T, मतलब पर यूनिट टाइम पे कितना हीट, कितना वर्क डन और कितना एनर्जी हम लोगों का है वो मतलब है P। इसको मैं बेसिकली थोड़ा और एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। यहाँ पर है हम लोगों का पावर और पावर है W by T और W means वर्क डन, वर्क डन क्या होता है एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर हीट भी एक तरह की एनर्जी है। तो यहाँ पर हम लोगों को जो टाइम चाहिए वो टाइम हो जाएगा हम लोग का W by P और W क्या होगा 540 into 100, ठीक है। इतना तक हम लोगों को 100 ग्राम के लिए हम लोग इसको मतलब 100 ग्राम वाटर को वेपर पे पहुंचाना है। तो 540 into 100 इतना एनर्जी हमको चाहिए और पर सेकंड पे हम लोग को कितना एनर्जी मिल रहा है 1080 बस। तो हम लोग का टाइम जो है वो इजीली आ जाएगा, ठीक है। इसके इसको काट दो, ये बन जाएगा 2, ये कट के हो जाएगा 50, ऑप्शन है 50 सेकंड, तो आंसर भी आ गया 50 सेकंड। तो हम लोग का ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन सिंपल भी है। तो क्वेश्चन में हम लोग को लेटेंट हीट जानना होगा जो है 540 कैलोरी पर ग्राम जो सीजीएस पे है, और यहाँ पर हम लोगों को पर सेकंड में कितना एनर्जी मिल रहा है ये मतलब जो है हम लोग का पावर। तो यहां से हम लोग टाइम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी चलेंगे नेक्स्ट पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है हम लोगों का, टू बल्ब मार्क 60 वाट एंड 220 वोल्ट, टू बल्ब मार्क 60 वाट 220 वोल्ट एंड 100 वाट 220 वोल्ट are connected in series, and the series combination now connected, and the series combination is now connected across A main supply. The power dissipated in the circuit is option A
37.5 वाट ऑप्शन बी 75 वाट ऑप्शन सी 80 वाट ऑप्शन डी 40 वाट AMU 2010 ये आया था AMU 2010 ठीक है। तो देखो इसको अभी कैसे करते हैं हम लोग सॉल्व। टू बल्ब मार्क दिस एंड दिस आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड द सीरीज कॉम्बिनेशन इज देन कनेक्टेड इन पैरेलल ठीक है। तो मतलब क्या है इसका, यहां पर है दो बल्ब जो है सीरीज पे जिसको कनेक्ट किया है 220 वोल्ट में, इन लोगों का रेटिंग भी सेम है 60 वाट 100 वाट जो 220 वोल्ट में ही काम करेगा। तो अभी जो पावर जब सीरीज में हम लोग कैलकुलेट करते हैं तब हम लोग इक्विवेलेंट पावर का फॉर्मूला बैठाते हैं पैरेलल रेसिस्टेंस पावर। मतलब जब रेसिस्टेंस हम लोग सीरीज पे कैलकुलेट करते हैं तब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आता है R1 प्लस R2 और पैरेलल पे आता है 1 बाय R इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। लेकिन जब पावर की बारी आता है तब सीरीज पे हो जाता है दिस एंड पैरेलल पे हो जाता है P = P1 + P2। ये कब होता है, ये होता है पैरेलल पे ठीक है। तो ये भी कर देते हैं 1 बाय 60 प्लस 1 बाय 100। तो करने से क्या आ जाएगा, ये करने से आ जाएगा हम लोग का एलसीएम करने से 300 5 + 3 8 by 300 तो P = 300 by 8 3.37.5 मतलब ऑप्शन ए ठीक है। तो हम लोग का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए वाला। तो यहां पर समझने वाले बात क्या है, जब पावर हम लोग सीरीज पे कैलकुलेट करते हैं तो पावर 1 बाय करके ऐड हो जाता है, वही हम लोगों को समझने वाली बात है यहां पर ठीक है। अभी दूसरा एक न्यूमेरिकल देखेंगे हम लोग, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा आज का। तो क्वेश्चन नंबर 9, टू बल्ब्स 40 वाट एंड 60 वाट ऑफ रेटेड वोल्टेज 240 वोल्ट, टू बल्ब्स 40 वाट एंड 60 वाट ऑफ रेटेड वोल्टेज 240 वोल्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज। Across a potential difference 420 volt. Across a potential difference 420 volt. Which bulb will work above its rated voltage? Which bulb will work above its rated voltage?
ऑप्शन ए 40 वाट बल्ब, ऑप्शन बी 60 वाट बल्ब, ऑप्शन सी बूथ बल्ब विल वर्क, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। ये आया है VMMC 2010, VMMC 2010, ठीक है। तो पहले हम लोगों को दोनों बाल्ब से, सॉरी दोनों बाल्ब का करंट हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर रेसिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा। तो यहां पर हम लोगों को P1 दिया हुआ है 40 वाट, P2 दिया हुआ है 60 वाट, और रेटेड वोल्टेज मतलब V1 V2 इक्वल है और वो दिया हुआ है 240 वोल्ट। तो अभी हम लोग दोनों का रेसिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो P = V² / R, R1 = V² / P1, दैट इज 240 × 240/40, R2 = V² / P2 = 240 × 240/60 = A, A कैंसिल 6, ठीक है। तो रेसिस्टेंस R1 कितना आ जाएगा हम लोग का 1440 ओम, R2 आ जाएगा हम लोग का 4960 ओम, ये आ गया R1 एंड R2। देन I1 I2 कैलकुलेट करते हैं। I1 = V = IR, I = V/R, मतलब V/R1, V कितना था हम लोग का 240, ठीक है, बाय R1 कितना आएगा हम लोग का 1440, फिर I2 = V/R2, मतलब 240/960 कितना आएगा, देखो ये आ जाएगा 0.167 एम्पियर, और I2 आ जाएगा हम लोग का 0.25 एम्पियर। तो दोनों का रेसिस्टेंस भी निकाल लिया हम लोगों ने, दोनों का करंट भी निकाल लिया। जब ये दोनों सीरीज पे कनेक्ट होगा वो भी 420 वोल्ट के साथ, तब दोनों में से कितना करंट जाएगा, वो I होगा = V/R1 + R2 V' और V' क्या है, ये दैट इज 420/1440 + 960। तो I कितना आ रहा है, देखो 0.175 एम्पियर। अभी जैसे कि हम लोगों ने थोड़े देर पहले भी एक न्यूमेरिकल ऐसे किया था कि 420 वोल्ट इसका P1 P2 मालूम है, करंट भी निकाल ले रहा है, अभी इन दोनों का वोल्टेज हम लोग निकालेंगे V1 - V2, जिसका V रेटेड वोल्टेज से ज्यादा है वो उड़ जाएगा, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, V1 = I1 R1, ठीक है। तो यहां पर I1 तो हम लोग नहीं लिखेंगे, सीरीज में करंट सेम होगा, मतलब 0.175 × R1 क्या है, R1 है 1440 = V1 जो है वो आ रहा है 252 वोल्ट, ठीक है। ये हो गया V1
डैश, और वी टू डैश आ रहा है आई आर टू 0.175 और आर टू है 960। इसको कैलकुलेटर से करने से 168 वोल्ट दिखा रहा है। ये हो गया वी टू डैश। तो देखा जाए तो वी वन डैश जो है वो 240 वोल्ट से ज्यादा है, तो मतलब 40 वोल्ट का बल्ब जो है वो उड़ जाएगा। ठीक है, तो रह जाएगा कौन सा, नहीं 40 वोल्ट का जो बल्ब है हम लोगों ने R1 कितना डाला है, यहाँ पर R1 डाला है दिस मतलब 252 वोल्ट, तो वो आया था हम लोगों का हाँ, तो दिस रेंज पे हम लोगों का 40 वाट का बल्ब जो है वो काम नहीं करेगा। तो काम करेगा कौन सा वाला, 60 वाट का बल्ब। ठीक है, क्योंकि 60 वाट का जो बल्ब है वो उसका वोल्टेज कम है और इसका वोल्टेज ज्यादा है, तो ये उड़ जाएगा, ये काम करेगा, मतलब हम लोग का ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। समझ में आयो बात, अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है, टू सिमिलर हीटर कॉइल सेपरेटली टेक टू सिमिलर हीटर कॉइल्स सेपरेटली टेक separately take 10 minutes to boil certain amount of water. Certain amount of water. If both coils are connected in series, if both coils are connected in series, time taken to boil the same amount of water, time taken to boil the same amount of water is option A 15 minutes, option B 20 minutes, option C 7.5 minutes, option D 25 minute। ये आया है AFMC 2009। ये भी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन बहुत सिंपल है, एक पॉइंट पे ही आंसर आ जाता है। AFMC 2010 पे ये दिया था, AFMC 2010। ठीक है, तो यहां पर अगर याद रखो टाइम दो कॉइल का दिया होता है T1 एंड T2, तो टोटल जो टाइम होता है वो होता है T1 प्लस T2।
ये कब होता है? जब दो सीरीज पे हम लोग ऐड करते हैं। टू सिमिलर हीटर कॉइल्स सेपरेटली टेक 10 मिनट टू बॉयल सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर। मतलब यहां पर T1 इक्वल्स टू T2 इक्वल्स टू 10 मिनट। तो हॉयल कनेक्टेड इन सीरीज टाइम टेकन, मतलब T इक्वल्स टू 10 प्लस 10 20 मिनट। बिल्कुल इजी सवाल, ऑप्शन बी। ठीक है, जब सीरीज पे होता है तब टाइम को डायरेक्टली प्लस करना पड़ता है, वही हम लोग ने किया है और हम लोग का आंसर भी जल्दी आ गया है। ठीक है, फिर एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं, वो होगा आज का लास्ट न्यूमेरिकल। दस बजने वाला है, 11। तो 11 नंबर होगा कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड 220 वोल्ट 100 वाट एंड इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड 220 वोल्ट कॉमा 100 वाट इज कनेक्टेड इन सीरीज with another bulb rated 220 volt 60 watt. If the voltage across the combination is 220 volt, if the voltage across the combination is 240 volt, 220 volt, the power consumption by 100 watt bulb 220 volt, the power consumption, the power consumption by, sorry, consumed, power consumed by the 100 watt bulb will be by the 100 watt bulb will be option A 25 watt, option B 14 watt, option C 60 watt, option D 100 watt, option E 80 watt. Kerala CEE 2009. ठीक है, तो देखो यहां पर कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे पावर कंज्यूमशन बाय 100 वाट बल्ब इस सीरीज पे कनेक्ट किया है तो दोनों का रेसिस्टेंस तो हम लोग निकालना ही पड़ेगा। तो V1 इक्वल्स टू 220 वोल्ट, P1 इक्वल्स टू 100 वाट, फिर यहां पर V2 इक्वल्स टू 220 वोल्ट, P2 इक्वल्स टू 60 वाट, तो P1 इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाय R1, तो R1 इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाय P1, दैट इज 220 इंटू 220 बाय 100, ये आ जाएगा हम लोग का कितना आएगा देख लेना कितना आता है, 0000 कैंसिल, 220 22, फिर
R2 इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय पी टू 220 इंटू 220 बाय 60 इक्वल्स टू कितना आता है देख लेना। ठीक है, जब हम लोग इन दोनों को सीरीज पे कनेक्ट करेंगे R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2, तब जाके आंसर आएगा हम लोगों का 12914। ठीक है, ये होगा हम लोगों का सीरीज का रेजिस्टेंस। ठीक है, देन दोनों बल्ब का जो पावर कंज्यूम्ड होगा, तो यहां पर अभी दोनों बल्ब को कनेक्ट किया है एक कॉमन वोल्टेज में, तो यहां पर P1 इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय R1। ठीक है, तो पावर कंज्यूम्ड बाय द 100 वाट बल्ब इज 100 वाट बल्ब जो है वो कितना पावर कंज्यूम करेगा, तो सीरीज पे तो रेसिस्टेंस होगा हम लोगों का आर इक्विवेलेंट, तो यहां पर है 220 बाय 129। तो पावर आएगा हम लोग का 37.5 वाट। सीरीज पे दोनों मिलके जो हम लोगों का पावर कंज्यूम करेगा। ठीक है, अभी करंट निकालते हैं, करंट होगा V बाय R इक्विवेलेंट। V क्या है 220, R क्या है 1291, इक्वल्स टू कितना आता है देखो 0.17 एम्पीयर। ठीक है, तो अभी बात करते हैं हम लोग पावर की, तो पावर ऑफ 100 वाट P100 इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R कर लेते हैं, तो V स्क्वायर बाय R करने से क्या आएगा, V किया है हम लोग का V इक्वल्स टू IR होता है, तो I स्क्वायर R स्क्वायर बाय R, तो ये कट के आ जाएगा I स्क्वायर R, I तो हम लोगों ने निकाला हुआ है 0.17 स्क्वायर। 100 वाट का पावर कितना है, दिस 22 × 22 इक्वल्स टू कितना आएगा, ये कट के आ जाएगा 14 वाट, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऐसे करके हम लोगों को ये सब सॉल्व करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना काफी है, 10 बज चुका है और दूसरा सब कुछ हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो होगा हम लोगों का ठीक 2 दिन बाद इसी टाइम पे 9 बजे इसी चैनल पे। कौन से चैनल पे, लूसीफर के चैनल पे। और क्या करेंगे उस दिन, हम लोग फिर न्यूमेरिकल करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का, शायद से हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का ही कुछ न्यूमेरिकल लेके आएंगे हम लोग। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, खाना खाओ और सो जाओ, गुड नाइट, टाटा।